वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, हम लोग ऊपर के कुछ लेक्चर में जो डिस्कस किए हैं तो उसको यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं कि कब हम लोग रो स्पेस एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे, ठीक है, और कब जो है हम लोग कास्टिंग आउट या बोलिए कॉलम स्पेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट इज़, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वेदर वेदर वी टेक द गिवेन वेक्टर्स, ठीक है, द गिवेन वेक्टर्स वेक्टर्स एज रो, ठीक है, और वेदर वी टेक एज कॉलम, वेदर वी टेक एज कॉलम, ठीक है। तो दोनों पे बात कर लेंगे हम लोग, क्योंकि मैं सारा कुछ बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक ये कंक्लूजन वीडियो है तो इससे आपका थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सपोज कीजिए कि कोई एक सेट दिया हुआ है, हम इसको दो फ्रेम में बात करेंगे, ठीक है ना। चूंकि जनरली आप लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए यूज़ करते हैं और फिर जो है आप स्पैनिंग सेट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और आप ये कह सकते हैं कि बेसिस के लिए आप यूज़ करते हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट का बात करें, तो जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास में सेट है, ठीक है, सपोज कि इसके पास में तीन वेक्टर है, 1 2 3, ठीक है, और फिर -2 4 1, ठीक है, 5 2 3, ऐसा। अब ये जो वेक्टर है, अगर मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए पहले बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो पहला मेरा टारगेट है वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके। अब देखिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर हमको चेक करना है, ये बात समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, तो डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट मेरा कहता है वो तो यही है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब हम लोग जो है कुछ स्केलर लेंगे, ठीक है, सपोज कीजिए ये V1 है, ये V2 है, ये मेरा V3 है, ठीक है, तो कुछ हम लोग स्केलर लेंगे, X V1 प्लस Y V2 प्लस Z V3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा जब XYZ क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसको आप जब इसमें पुटअप कर देंगे, ठीक है, 1 2 3 प्लस Y -2 4 1, ठीक है, प्लस Z 5 2 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, यहाँ से आपको जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो एक मिल जाएगा X -2Y+5Z इक्वल टू 0, ठीक है। इधर आप 0 0 0 लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ इधर हमको तीन इक्वेशन आ रहा है, तो एक तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, फिर सेकंड वाले टपल्स को ऐड करेंगे तो 2X+4Y और +2Z इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा, ठीक है, और आपको एक मिल जाएगा 3X+Y+3Z इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब जो है ये तीनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन चेकआउट करने के लिए, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तभी मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं वो क्या लेते हैं, तो वो आप लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट लीजिएगा तो 1 -2 5, इसका लीजिएगा तो आप 2 4 2, इसका लीजिएगा तो आप 3 1 और 3, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखें कि इसको हम लोगों ने ले लिया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में, ठीक है, अब यहाँ से हमको पता है कि अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, और वो डिटरमिनेंट क्या आ जाता है, नॉन जीरो आ जाता है, दिस मीन्स क्या, इसका मतलब ये होगा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा हमको, ठीक है, सॉल्यूशन इज ट्रिवियल, सॉल्यूशन इज ट्रिवियल, यानी X भी Y भी Z भी तीनों जीरो हो जाएगा, और ये फिर इंडिकेट करेगा इक्वेशन 1 से, ठीक है, दिस इम्प्लाइज यूजिंग वन, वन इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, जो वेक्टर्स दिए हुए हैं V1 V2 V3, वो क्या हो जाएगा आपका, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अगर ये क्या होता है, डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होता है, तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब ये है कि अगर डिटरमिनेंट मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो इसका उल्टा होगा, यानी जो वेक्टर है आपका V1 V2 V3, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, बात फॉलो कर रहे ना। तो अब आप देखिए कि आपने जो लिया है वो लिया किस में है, तो आपने लिया है एक्चुअली 1 2 3 को, देखिए यहाँ पे ये पहला कॉलम में आपने ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने ले लिया है दूसरा कॉलम में, ठीक है, यहाँ पे आपने ले लिया है तीसरा कॉलम में, बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली आपने कॉलम में लिया है, तो ये है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हमको ये कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
कॉन्सेप्ट का जो डिमांड है, ये जो हमको कहता है, ठीक है, ये हमको कहता है कि आप कॉलम स्पेस लीजिए, क्योंकि कॉलम स्पेस ही बनना चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। और कॉलम स्पेस जब आप लेते हैं तो यहाँ से आप अगर डिटर्मिनांट आप फाइंड कर सकते हैं तो ठीक है, ठीक है। तो डिटर्मिनांट, लेकिन देखिए आप जाहिर सी बात है थ्री ऑर्डर तक ही कर पाएंगे, टू ऑर्डर का कर पाएंगे, ठीक है, उससे बड़ा होगा तो उसमें फिर आपको दिक्कत होता है, ठीक है। तो अगर आप डिटर्मिनांट नहीं कर पाते, तो डिटर्मिनांट मेथड से अगर आप नहीं जा सकते हैं, तो आप फिर क्या करते हैं, तो फिर आप जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है, फॉर बिगर साइज, है ना, फॉर बिगर साइज ऑफ मैट्रिक्स, है ना, मतलब कि अगर मैट्रिक्स का जो है साइज बड़ा है और डिटर्मिनांट में हमको दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे चूंकि कॉलम में लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे रो इक्वलन फॉर्म में, यानी रो ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। तो रो ऑपरेशन लगा करके हम लोग इसको बदल देंगे रो इक्वलन फॉर्म में, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चूंकि कॉलम स्पेस में काम कर रहे हैं, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कॉलम्स, ठीक है, विथ पीवोट्स, पीवोट्स के साथ जो कॉलम होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और रिमेनिंग को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, जो जिसमें नहीं होगा, जिस कॉलम में नहीं होगा पीवोट, उसको क्या करेंगे हम लोग डिलीट कर देंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिंग आउट बोलते हैं, ठीक है, कि हम लोग इसको क्या करेंगे, हटा देंगे काट करके, ठीक है, कास्टिंग आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी कॉलम आपका क्या होगा, सिलेक्ट करेंगे कॉलम विथ पीवोट्स, ठीक है। अच्छा, अगर सारे ही कॉलम में पीवोट है, ठीक है, इफ ईच कॉलम हैज पीवोट, अगर सारा कॉलम आपका पीवोट रखता है, ठीक है, तब तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि आपका जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, v1 v2 v3 क्या है, वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अदरवाइज अगर आपको कम मिलता है, तो मतलब कि आपको कॉलम कम मिलते हैं, कुछ कॉलम को डिलीट करना पड़ता है, तब वो क्या होगा, आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है, लेकिन क्या हम यहाँ पे रो वाला यूज़ कर सकते हैं, बात समझिए अच्छे से। अभी हम अभी बात चल रही है लीनियरली इंडिपेंडेंट का, तो देखिए आप रो वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है, चूंकि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर हम डिटर्मिनांट की बात करें, तो डिटर्मिनांट ए का हो या ए के ट्रांसपोज का हो, क्या होता है, वो आपका इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये एक रिमार्क हो गया। उसके अलावा जो मेरा कॉलम स्पेस होता है, ठीक है, मैट्रिक्स का, वो क्या होता है, वो रो स्पेस के बराबर होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली रो स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको कॉलम स्पेस यूज़ करना चाहिए, लेकिन आप रो स्पेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग रो स्पेस यूज़ करते हैं, इफ रो स्पेस ए यूज्ड इज यूज्ड, ठीक है, इसको अगर आप यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि अब आप क्या करेंगे, अब आप वेक्टर्स को लेंगे रो में, ठीक है, देन वी टेक वेक्टर्स, ठीक है, एज रो इन ए, ठीक है। तो अब जो आपका ए तैयार होगा, वो क्या तैयार होगा, वो आपका रो में चलेगा, यानी जो आपको वेक्टर दिए रखा था 1 2 3, ठीक है, दिखेगा नाम से आप, तो 1 2 3 -2 4 1 और 5 2 3, ठीक है। तो इसको आप लेंगे रो में, यानी 1 2 3, ठीक है, -2 3 1 और क्या था, -2 4 1 और 5 2 3, ठीक है, तो -2 4 1 2 4 1 और 5 2 3, इस तरीके से आप लेंगे, ठीक है। अगर आप रो में ले लेते हैं, याद रखिए, अगर आप रो में ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पे जो काम होगा ना, वो ये होगा, फिर आप इसमें फिर से आप इसको रो इक्वेलेंट फॉर्म में बदलेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, ठीक है, रो ऑपरेशन लगा करके आप इसको बदल देंगे रो इक्वेलेंट फॉर्म में। और अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज, ठीक है, जितना भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगा, ठीक है, उतना ही वेक्टर क्या होगा आपका, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अगर सारे ही रो नॉन जीरो हैं, ठीक है, इफ ऑल रो इज नॉन जीरो, इज नॉन जीरो, ठीक है, किसमें, आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, ठीक है, देन जो गिवेन वेक्टर है, देन क्या होगा, जो गिवेन वेक्टर्स होगा वो आपका हो जाएगा
लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज हो जाएगा आपका, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, तो इसमें आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखना पड़ता है, या आप बोल सकते हैं इसी को क्या कि रोज विथ पीवोट्स, ठीक है, क्योंकि अगर नॉन जीरो रो होगा और रो इक्विवेलेंट फॉर्म होगा तो उसमें पीवोट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो रो विथ पीवोट्स भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर सारे रो में पीवोट मिल जाता है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा सारा सेट, ठीक है, और जिसमें नहीं मिलता है तो क्या होगा, वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी उसको हम बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ऐसा हम पूरा डिस्कशन किए हैं, ठीक है ना। ओके, तो चाहे कॉलम हो या चाहे रो हो, याद रखिएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और क्यों यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में इस तरह का जो है अवेलेबल है कंडीशन, ठीक है, कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा कॉलम स्पेस को भी और रो स्पेस को भी, ठीक है। यहाँ पे एक बात और है, याद रखिएगा कि जो रो आपका, जिस रो में पिवोट नहीं मिलता है या जिस कॉलम में पिवोट नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है और उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहे हम लोग कॉलम स्पेस का बात करें, यहाँ पे मैं रिमार्क डाल देता हूँ, रिमार्क, ठीक है, क्या है रिमार्क, अगर आप कॉलम स्पेस की बात करते हैं, ठीक है, या आप बात करते हैं रो स्पेस की, क्या, तो कॉलम स्पेस में, ठीक है, जो कॉलम आपका विदाउट पिवोट होगा, विदाउट पिवोट वो क्या होता है, वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट टू दोज ऑफ कॉलम्स, ऑफ कॉलम्स, ठीक है, विथ पिवोट्स, बात समझिएगा, हाँ, विथ पिवोट्स, यानी जिस कॉलम में पिवोट नहीं है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है उन कॉलम पे जिसके पास में पिवोट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो कॉलम है आपका, ठीक है, विदाउट पिवोट, विदाउट पिवोट, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है इज लीनियर कॉम्बिनेशन, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स विथ पिवोट्स, ठीक है, जिसके पास में पिवोट है तो उन सारे कॉलम्स का ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यही बात रो स्पेस में भी होती है, ठीक है, सिमिलर, सिमिलर इन रोज, तो रोज में भी यही होता है, मतलब जिसमें पिवोट नहीं होगा या जो जीरो रो होगा एक्चुअली करस्पोंडिंग में उसके जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट टू अदर रोज होंगे जो रो आपके नॉन जीरोज हैं, यानी कि आप उस जीरो रो वाले करस्पोंडिंग वेक्टर को क्या कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ऑफ अदर वेक्टर्स, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, तो मैंने ये आपको क्लियर कर दिया लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले केस में, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा चीज़ है वो है मेरा वही स्पेनिंग या जनरेटिंग वेक्टर वाले में, ठीक है, स्पेनिंग या तो जनरेटिंग वेक्टर, यानी आपको कुछ वेक्टर दिया रहता है और आपको ये बोला जाता है कि भाई आप बताइए कि, ठीक है, इसका बेसिस क्या होगा, ठीक है, यानी फाइंडिंग बेसिस में जो हम लोग यूज़ करते हैं, फाइंडिंग बेसिस, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास में, इसके पास में तीन वेक्टर है, ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 4, ठीक है, फिर 0 -1 2 3 और 4 3, ऐसे मैं आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का तीन वेक्टर है मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है कौन इसमें जो है कौन कौन सा जो है वेक्टर बेसिस तैयार कर लेगा, कि तीनों करेगा कि दो करेगा, ये आपको अगर चेक करना है या देखना है कि, ठीक है, इसमें जो है स्पैन करने वाले वेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें करने में भी आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप रो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और आप कॉलम या कास्टिंग आउट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो भी यूज़ करेंगे तो उसमें आप ध्यान ये देंगे कि कॉलम वाले में आप जब रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जिस कॉलम में, कॉलम विदाउट जो पिवोट्स होगा, विदाउट पिवोट जिसमें पिवोट नहीं होंगे उसको आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, डिलीटेड, ठीक है, ओके। और जो बेसिस बनेगा वो सिर्फ कॉलम विथ पिवोट्स वाले से बनेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर, देयरफॉर, ठीक है, क्या होगा, जो वेक्टर्स होंगे देयरफॉर स्पेनिंग वेक्टर्स, है ना, स्पेनिंग जो वेक्टर बचेंगे, स्पेनिंग वेक्टर्स वो क्या होंगे, वो होंगे आपके स्पेनिंग वेक्टर्स, ठीक है, आर कॉलम्स, कॉलम्स विथ पिवोट्स, विथ पिवोट्स,
पिवोट्स, ठीक है। ये कुछ उसी तरह की बात है जैसा कि ऊपर में था, जो हम आपको बता रहे थे कि लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्पेनिंग करना तो वही चीज़ है। इसी तरीके से अगर आप रो वाला यूज़ करते हैं, तो आप इसको पहले रो इक्वेशन फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे जो नॉन जीरो रोज़ है, ठीक है, नॉन जीरो रोज़, ठीक है, वही क्या करेंगे, वही जो है बेसिस फॉर्म करेंगे, आर फॉर्म बेसिस, यानी वही आपका क्या होगा, स्पेनिंग वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये था कि जो कॉलम स्पेस है, या जो कास्टिंग आउट जो मेरा मेथड है, ठीक है, तो ये आपको क्या देता है, ये आपको जो जेनरेटिंग सेट देगा, जेनरेटिंग सेट देगा या स्पेनिंग सेट देगा, वो कहाँ से देगा, वो देगा आपको फ्रॉम लिस्ट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर से देगा जो गिवेन है, ठीक है, फ्रॉम लिस्ट ऑफ ऑफ ओरिजिनल वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स गिवेन, जो क्वेश्चन में गिवेन रहता है, वहाँ से आप एक सबसेट निकाल सकते हैं, ठीक है, जो बेसिस फॉर्म करेगा या स्पेनिंग करेगा, ठीक है ना, जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप रो वाला यूज़ करेंगे, तो रो वाले यूज़ में आप देखेंगे क्या, कि रो वाले यूज़ में आपको एक जनरल जो है जनरेटिंग सेट तो मिल जाएगा, एक आपको जनरल बेसिस मिलेगा कोई भी, ठीक है, कोई भी एक आपको बेसिस मिलेगा। लेकिन इसमें जो रो में मेरे पास में नॉन जीरो रोज़ होंगे, ठीक है, जो नॉन जीरो रोज़ होंगे वही आपको एज ए वेक्टर लेना है, ठीक है, नॉन जीरो रोज़, ठीक है, एज जेनरेटिंग वेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें आप ओरिजिनल नहीं ले पाएंगे, ठीक है, बट दोनों तरफ से आपको बेसिस सेम मिलेगा। तो फाइनली मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि जाहिर सी बात है जो बेस्ट है, बेस्ट आइडिया है, ठीक है, बेस्ट आइडिया है वो क्या है, वो है कॉलम वाला। क्यों कॉलम वाला बेस्ट आइडिया है, इसलिए कि ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट कॉलम वाला का मतलब ये है कि कॉलम में हम लोग रखेंगे कॉलम, ठीक है। बेस्ट आइडिया ये है कि वेक्टर्स को हम लोग क्या लेंगे, एज ए वेक्टर्स, ठीक है, ठीक है, तो जो जो भी गिवेन वेक्टर होगा हमारा, उसको हम एज कॉलम लेंगे, एज कॉलम इन मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के कॉलम में लेंगे, ठीक है ना, कॉलम वाइज लेंगे। तो इसका फायदा ये है कि पहले तो ये देखिए कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्या करता है, फेवर करता है, कि कॉन्सेप्ट इसी को बोलता है लेने के लिए। और दूसरा ये है कि आपको अगर यहाँ से कुछ सेट निकालना पड़ता है, तो वो जो सेट है वो क्या होगा, वो आपका सबसेट होगा, सबसेट ऑफ गिवेन ओरिजिनल वेक्टर्स का, ठीक है, गिवेन ओरिजिनल वेक्टर, यानी जो भी आपके पास में जो भी आपके पास में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, कॉलम्स विथ पिवोट्स, ठीक है। तो जो भी आपके पास में कॉलम बचेंगे विथ पिवोट, उसके करस्पॉन्डिंग में आप ओरिजिनल वेक्टर्स का सबसेट बना लेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो जनरेटिंग सेट मिल जाएगा, ठीक है। और लिनियरली इंडिपेंडेंट के लिए तो ये कॉन्सेप्ट ही है, तो आपको वहाँ से काम कर जाता है, ठीक है ना, ओके। तो ये बेस्ट आइडिया है, लेकिन बट हम लोग ये जानते हैं कि कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, क्या होता है, रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग रो स्पेस भी यूज कर सकते हैं। बट रो स्पेस में क्या होगा कि आपको जो है इसमें आपको नॉन जीरो रोज पे जाना पड़ेगा, नॉन जीरो रोज देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, आरईएफ फॉर्म में। और इससे आपको एक कोई भी एक जनरेटिंग सेट मिलेगा, लेकिन वो सबसेट नहीं होगा गिवेन वेक्टर्स का, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे आप यूज करते हैं तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस जो डिफरेंसेस है वो आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया है, तो आपको क्लियर रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में फिट आउट फिट रहना चाहिए, बाकी आपको जो इजी हो। चूंकि देखिए होता क्या है, जब आप ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ऑपरेशन जो होता है रो ऑपरेशन करते हैं, आर्बिट्री रो ऑपरेशन, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, कभी कभार आपके लिए रो इजी होता है, ठीक है। तो अगर रो इजी है तो आप रो से जाते हैं, जैसे कि कोई फर्क खास फर्क पड़ना नहीं है। हाँ, अगर डिमांड ही कुछ ऐसा है कि आपको ओरिजिनल ही सबसेट चाहिए, तब आप किसे जाते हैं, तब आप कॉलम से जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ डिमांड नहीं है, तो चूंकि रो ऑपरेशन हमको करना है, तो रो वाइज अगर इजी है तो डेफिनेटली रो वाइज भी हमको जाना चाहिए, ठीक है, चूंकि आपको ये प्रॉपर्टी से फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लास्टली मैं ये बात करूंगा रैंक वाला, कि कुछ लोग पूछ रहे थे रैंक के लिए। तो देखिए, अगर आप रैंक निकालते हैं, याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, तो
रैंक जब आप निकालेंगे तो रैंक कब निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, जब आप रैंक निकालते हैं तो याद रखिएगा, अगर रैंक, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स आता है, इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, तभी क्या होगा, तभी आपका जो वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, ओके। और रैंक आपको पता है ये भी वही होता है एक्चुअली, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है, नॉन जीरो रोज होता है, या तो आप माइनर देख सकते हैं कि उस ऑर्डर का माइनर उसमें नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके ये केस अगर नहीं होगा, अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होगा तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो अदरवाइज के केस में क्या होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट का केस होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट का केस नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन कर दिया है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बुक्स उठा करके कीजिए, ठीक है। और जैसे ही कुछ और भी मेरे को क्वेश्चन मिलेगा, मैं डालता ही रहता हूँ, जो मुझको अच्छा लगता है मैं वो डाल ही देता हूँ, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी इस तरह का कंटेंट हो वो आप तक फ़ौरन से पहुँचे, ठीक है। शेयर करना नहीं भी भूलिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जितना प्रमोट करेंगे उतना मेरे को हेल्प होगा, ठीक है। और अगर कोई इशू है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, वरना अच्छे कमेंट्स से मुझको जो है बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसा होगा आप लोग वैसा कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।